हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली विंडोज 11 लॉन्च कर दिया है और मेरे लैपटॉप में ऑफिशियली विंडोज 11 अपडेट आ चुका है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से नए फीचर्स अपडेट हुए हैं एक्सेट्रा। सो मैंने विंडोज 11 अपडेट कर लिया है और इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। सबसे पहले है इसका लोगो, जो पहले थोड़ा सा क्रॉस रहता था वो चेंज होकर पूरा फ्लैट हो चुका है। साथ ही इसके कॉर्नर्स भी चेंज हुए हैं, राउंडेड कॉर्नर्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसके सारे आइकॉन्स भी चेंज हो चुके हैं, जो दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके टास्क बार की बात करें तो टास्क बार सेंटर में आ चुका है, जो कि पहले लेफ्ट साइड में आते थे। साथ ही इसमें एनिमेशन भी ऐड कर दिया है, जो दिखने में काफ़ी कूल लगते हैं। तो अब इसके नए फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है स्टार्ट मेनू एक्सपीरियंस। बात करते हैं इसके स्टार्ट मेनू की, तो वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। ग्लास फिनिशिंग बैकग्राउंड आपको इसके देखने को मिलेगा विथ राउंडेड कॉर्नर्स। यहाँ से आप इसके सारे ऐप्स देख सकते हो। यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपना प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप इसे स्लीप मोड, शटडाउन और रिस्टार्ट कर सकते हो। अगर आप टास्क बार के आइकॉन्स को दोबारा लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करें, टास्क बार सेटिंग, और यहाँ से आप इसे पर्सनलाइज कर सकते हो। और यहाँ से आप इसे लेफ्ट साइड और सेंटर में सेट कर सकते हो। हमारे दूसरे नए फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो है विंडो स्नैपिंग। किसी भी विंडो के यहाँ पर आप चाहोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। आप इसे जैसे भी स्नैपिंग करना चाहो, जो भी स्क्रीन पर रखना चाहो वहाँ पे क्लिक करो, वो सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप और विंडोज को सेट कर सकते हो। ये मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। इसके बाद तीसरा नया फीचर है स्नैप ग्रुप। ये फीचर विंडो स्नैपिंग फीचर से रिलेटेड है। सपोज आपने सारे विंडोज मिनिमाइज कर दिए, अब आप इसे फिर से वैसे ही सेट करना चाहो तो आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें एक होगा ग्रुप वाला ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करते ही यह फिर से पहले जैसा सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके चौथे नए फीचर की, वो है सेटिंग मेनू। ये ओपन करेंगे और यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग मेनू का इंटरफेस पूरी तरह चेंज हो चुका है। नीट एंड क्लीन इंटरफेस आपको इसके देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सिस्टम सेटिंग कर सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो, एक्सेसिबिलिटी सेट कर सकते हो एंड ऑल थिंग्स। जो भी आप सेट करना चाहो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। पांचवे नए फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो है मल्टीपल डेस्कटॉप। यहाँ पर चाहोगे तो आपको मल्टीपल डेस्कटॉप का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लाइक वर्क डेस्कटॉप, पर्सनल डेस्कटॉप, गेमिंग डेस्कटॉप एक्सेट्रा। यहाँ पे आप इसे रीनेम कर सकते हो, मूव कर सकते हो, बैकग्राउंड चूज कर सकते हो और आप इसमें डेस्कटॉप कैटेगरी के हिसाब से एप्स इंस्टॉल कर सकते हो। छठे नए फीचर के बारे में बात करते हैं, तो वो है विडजेट्स। यहाँ पर क्लिक करते ही लेफ्ट साइड से विडजेट विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे अपने हिसाब से विडजेट सेट कर सकते हो। सातवें नए फीचर के बारे में बात करते हैं, तो वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसमें कुछ नए कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहला है विंडो की प्लस W विडजेट विंडो ओपन करने के लिए, विंडो की प्लस A क्विक सेटिंग मेनू ओपन करने के लिए, विंडो की प्लस N नोटिफिकेशन विंडो ओपन करने के लिए, विंडो की प्लस Z स्नैपिंग विंडो ओपन करने के लिए, विंडो की प्लस C न्यू टीम्स क्रिएट करने के लिए और विंडो की प्लस एच डिक्टेशन डायलॉग ओपन करने के लिए। आठवें नए फीचर के बारे में बात करते हैं, तो वो है क्विक सेटिंग मेनू। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब चेंज हो चुका है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्विक सेटिंग मेनू ओपन हो जाएगा और इसका इंटरफेस भी पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ से आप वाईफाई सेटिंग कर सकते हो, ब्लूटूथ, VPN, एक्सेसिबिलिटी सेट कर सकते हो। यहाँ से ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो और यहाँ से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। नौवें नए फीचर के बारे में बात करते हैं, तो वो है डिक्टेशन डायलॉग। इसे ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है विंडो की प्लस H। इसकी हेल्प से आप किसी भी विंडो में जो भी बोलोगे वो टाइपिंग होता रहेगा। हेलो, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट विंडोज 11 अपडेट। आपको इसमें न्यू अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर देखने को मिलेगा विथ एंड्रॉइड एप्स।
यस, आप इसमें एंड्रॉइड एप्स भी यूज कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये विंडोज 11 का अपडेट काफी अच्छा है। कई सारे चेंजेस हुए हैं, लाइक इसका लोगो, आइकॉन, इंटरफेस एक्सेट्रा, और कई सारे न्यू फीचर्स भी ऐड हुए हैं। तो ये था आज का वीडियो, शायद आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।